अनूप शहर के ग्राम खेड़ा बांगर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, जहां नवीन कुमार गुप्ता भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल अधिकारी के पद पर है। नवीन गुप्ता का कहना है कि जब वह ड्यूटी पर थे तब उसकी संपत्ति पर भू माफियाओं द्वारा खड़ी फसल गन्ना को बर्बाद कर दिया गया और जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। नवीन गुप्ता का आरोप है कि भू माफियाओं द्वारा गन्ने की खड़ी फसल को रात में जबरदस्ती ट्रैक्टर द्वारा रौंद दिया गया और खेत में एक मैट डाल दी गई तथा सीमेंट के खंभे से लोहे के तारबंदी को उखाड़ कर ले गए। जमीन में लगा बोरिंग भी हटा दिया गया और प्लास्टिक के पाइप ट्रैक्टर को बर्बाद कर दिया। और नवीन गुप्ता का कहना है कि विवाद होने के उपरांत उपजिलाधिकारी व कानून को द्वारा इसकी पुष्टि कर ली गई थी, परंतु नवीन गुप्ता जी को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। वह अपने शिकायती पत्र लेकर जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी के यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। नवीन गुप्ता का ये भी कहना है कि लखनऊ जनता दरबार में एप्लीकेशन दी गई और जहां पटवारी और तहसीलदार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। बुलंदशहर जिलाधिकारी ने उनके शिकायती पत्र को पढ़कर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्यवाही की जाएगी। नवीन गुप्ता का कहना है कि शीघ्र से शीघ्र उनके शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जाए जिससे उनको न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है। मैं बीएसएफ में सर्विस करता हूँ और असिस्टेंट कमांडेंट पद पर हूँ मैं और नॉर्थ बंगाल में मैं पोस्टेड हूँ। कहाँ से आए आप? अब मैं अभी अनूपशहर से आया हूँ। जी, डीएम साहब से आप मिलने आए हो, क्या आपकी पूरी समस्या है? मेरी समस्या है कि 15 अप्रैल 2021 में मेरी भूमि बच्ची खेड़ा में भू माफियाओं द्वारा मेरी खड़ी फसल को जोत दिया गया और उसके ऊपर कोई सीनियर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और लोग क्या आपने शिकायती पत्र दिए हैं? मैंने शिकायती पत्र भी दिए हैं और उसमें शासन और प्रशासन भू माफियाओं की मदद कर रहा है, उनको गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अब आप डीएम साहब से मिलने आए हो, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? डीएम साहब ने बोला है कि अभी उन्होंने एसडीएम को फोन कर दिए हैं और उन्होंने बोला है कि अभी इस ऑपरेशन की पत्री निकालने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है।